हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश केशव आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद गार्डनिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नई टॉपिक लेकर आ रहा हूँ आपके बीच। तो आज का मेन टॉपिक है हेयर फॉल के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी के मेन यूथ के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हेयर फॉल हो गया है, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि हमारे खान पान भी सही तरीके के नहीं है, जिसके कारण हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं, गंजापन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करूंगा बियर्डो की हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू के बारे में, जो कि स्पेशली फॉर मैन है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में रिव्यू देखते हैं। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें तो ही मैं इसकी सारी डिटेलिंग आपको दे पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके हेयर फॉल के बारे में और इस बियर्डो हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू के बारे में। तो क्या ये सच में वर्क करता है फ्रेंड्स या नहीं, इसके बारे में बात होगी आज। और ये आपके हेयर में कैसे यूजफुल है उसके बारे में बात होगा फ्रेंड्स। इसके इंग्रेडिएंट्स के, इसके प्राइसिंग की आज बात होगी फ्रेंड्स। और सबसे पहले मैं इस शैम्पू के बारे में बात करता हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन में फ्लैश होगा। और तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, सारे हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा कारगर है। तो फ्रेंड्स, आज के लोगों की मेन थ्योरी हेयर थ्योरी होती है फ्रेंड्स कि हम जो शैम्पू यूज कर रहे हैं वो सल्फेट फ्री है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि ये सल्फेट फ्री है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि सल्फेट होता क्या है, क्या है सल्फेट। सल्फेट हमारे डिटर्जेंट पाउडर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एजेंट है, जो कि हमारे डिटर्जेंट पाउडर में बहुत ज्यादा फोमिंग का काम करता है, झाग बनाने का काम करता है, जो कि बहुत सारे शैम्पू में होता है। वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है फ्रेंड्स। क्यों? और सल्फेट से हमारे बालों में बहुत सारी कमियां आती है, जैसे कि वो आपके स्कैल्प के नेचुरल ऑयल को डल कर देता है, रिमूव कर देता है, जिसके कारण आपकी हेयर स्कैल्प बहुत ज्यादा रूखी हो सकती है फ्रेंड्स। तो आपके बाल रूखे भी हो सकते हैं और बेजान भी हो सकते हैं। तो अगर आपके नेचुरल ऑयल है स्कैल्प में, तो वो नेचुरल ऑयल को सल्फेट रिमूव कर देगा, जिसके कारण आपके बाल और भी ज्यादा रफ हो सकते हैं फ्रेंड्स। और जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, इसमें सल्फेट बिल्कुल भी नहीं है, ये सल्फेट फ्री है। और सल्फेट फ्री होने के कारण ये आपके बालों में झाग बिल्कुल भी नहीं बनाएगा फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको अपने बाल इससे धोने हैं तो आपको इसे ज्यादा अमाउंट में यूज करने हैं फ्रेंड्स। ये आपके बालों में झाग बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें सल्फेट नहीं है। तो अब बात करते हैं कि ये आपके स्कैल्प में, आपके बालों में कैसा परफॉर्म करेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की। तो फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी ज्यादा मात्रा में होने से ये आपको वाटरिंग फॉर्म में ज्यादा मिल पाएगा। और वाटरिंग फॉर्म में होने की वजह से ये हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है फ्रेंड्स। और वाटरिंग कंसिस्टेंसी होने के कारण ये आपके बालों के स्प्रेडेबिलिटी को बढ़ाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो बताया कि इसमें वाटर कंसिस्टेंसी ज्यादा है, जिसके कारण ये आपके बालों को अच्छी तरह से साफ कर पाएगा फ्रेंड्स, आपके स्कैल्प के नेचुरल ऑयल को रिमूव नहीं करेगा फ्रेंड्स। और दूसरी पॉइंट ये है कि ये सल्फेट फ्री है, तो ये आपके बालों में ज्यादा झाग नहीं निकालेगा फ्रेंड्स। तो आप इसे ज्यादा अमाउंट में यूज करें तो ही ये आपके बालों को अच्छी तरह से क्लींजिंग कर पाएगा फ्रेंड्स। अगर आपके स्कैल्प ड्राई है तो आप बिल्कुल भी इसे यूज ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ड्राई है तो ये आपके स्कैल्प को और भी ज्यादा ड्राई कर सकता है फ्रेंड्स, जिसके कारण आपके बाल रफ हो सकते हैं। अगर क्लींजिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी क्लींजिंग पावर काफी ज्यादा है फ्रेंड्स, लेकिन आपको इसे लेने ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, ताकि ये आपके स्कैल्प में हर जगह लग पाए, क्योंकि इसकी फॉर्मिंग नहीं है बहुत ही ज्यादा। तो आप इसे ज्यादा अमाउंट में लेने की कोशिश करें तो आपके बालों की अच्छी क्लींजिंग हो पाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि ये माइल्ड शैम्पू है या हार्ड शैम्पू है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये माइल्ड शैम्पू है, और माइल्ड शैम्पू में केमिकल बहुत ज्यादा नहीं होते फ्रेंड्स। और जितने भी यूज फर्टिलाइजर हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये माइल्ड शैम्पू है तो ये आपके स्कैल्प में फील नहीं देता फ्रेंड्स, और रिटेंशन कॉस्ट नहीं करता,
और आपके स्कैल्प को ड्राई नहीं करता फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी साबित होने वाली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ इसके मेन मुद्दे में जिसके कारण हम इसे यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके बालों के हेयर फॉल को बिल्कुल रोकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक माइल्ड शैम्पू है। माइल्ड शैम्पू में केमिकल ज्यादा नहीं होते हैं और जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं सारे हमारे सेहत के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और ये माइल्ड शैम्पू होने की वजह से ही आप इसे बिल्कुल बेझिझक यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके हेयरफॉल को बिल्कुल कंट्रोल करेगा फ्रेंड्स, लेकिन आपके बाल अगर छोटे हो तो, मतलब कि अगर मेरे टाइप के बाल हो या इससे थोड़े बड़े लेंथ भी हो तो ये कंट्रोल करेगा फ्रेंड्स। अगर आपके लॉन्ग लेंथ के हेयर हैं जिसमें आप चोटी करते हो या फिर आपके शोल्डर तक अगर आपके हेयर हैं तो ये फ्रेंड्स नहीं कंट्रोल करेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आप चोटी करते हो तो उसमें स्ट्रेच होती है और खिंचाव के कारण वो थोड़े बहुत झड़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपके शॉर्ट हेयर को बिल्कुल ही कंट्रोल करेगा फ्रेंड्स, हेयरफॉल बिल्कुल भी नहीं होने देगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं इसकी प्राइसिंग की बात करता हूं तो ये इसकी प्राइस है 350 रुपीज एंड क्वांटिटी की बात करो तो ये 250 ml है। तो फ्रेंड्स और शैम्पू के मुकाबले काफी अच्छी है, ये थोड़ी कॉस्टली है लेकिन और शैम्पू के मुकाबले इसमें इंग्रेडिएंट्स काफी अच्छे हैं और नेचुरल है, और बाकी शैम्पू के मुकाबले इसमें केमिकल बहुत ही कम है फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए अफोर्डेबल भी है और यूजफुल भी है, तो इसे आप बेझिझक यूज करें फ्रेंड्स। बालों के डर्ट से ये फाइट करेगा, स्कैल्प प्रॉब्लम, डैंड्रफ प्रॉब्लम से ये फाइट करेगा फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब इसके बात करता हूँ डायरेक्शन ऑफ यूज की, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ यूज दिया अप्लाई ऑन वेट हेयर एंड मसाज जेंटली ऑन योर स्कैल्प वर्किंग अप अ रिच लेदर रिंस थ्रूली विथ वॉटर। मतलब आपको इससे थोड़े ज्यादा अमाउंट में लेने फ्रेंड्स और आपको स्कैल्प में हर जगह लगानी है थोड़े पानी के साथ, और इसे आप स्कैल्प में मसाज करें और मसाज करने के बाद आप इसे शैम्पू से अपने बाल को अच्छी तरह से धो ले, ये रिजल्ट 100% देगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि देख सकते हैं ये ओपन और स्टॉप है, आप इसे जिस तरफ एरो के निशान ओपन की तरफ है आप उस तरफ इसे घुमाएं और ये ओपन हो जाएगा और आपको इसे इतने क्वांटिटी में शैम्पू लेने हैं, थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए, मैं ऑलरेडी पहले भी लगा चुका हूं। तो फ्रेंड्स आपको देखने कि ये आपको इस टाइप के कुछ स्कैल्प मसाज करनी है अच्छे से और इसमें हल्की वाटर की क्वांटिटी हो फ्रेंड्स, पानी की मात्रा हो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे फ्रेंड्स। अब मैं इसे धोऊंगा तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें काफी ज्यादा फॉमी है क्योंकि मैं इसे ज्यादा क्वांटिटी में लिया हूं, इसमें सल्फेट की मात्रा कम है तो इसमें फॉमिंग भी कम होगी, क्योंकि मैं इसे काफी ज्यादा मात्रा में लिया हूं और मेरे बाल भी काफी छोटे हैं जिसके कारण मैं सिर्फ इसमें फॉर्म देख पा रहा हूं, आप भी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसे अब मैं वॉश करके आता हूं। तो फ्रेंड्स आफ्टर वॉश आप देख सकते हैं मेरे काफी मैसी लुक आ रहे हैं, मेरे हेयर काफी शाइन कर रहे हैं और काफी ये सिल्की भी हो चुके हैं, रूखे भी नहीं है, बेजान भी नहीं है और कड़े तो बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन, मेरी ये जानकारी, मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर कर दे फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो और भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दे, और इससे जुड़े किसी भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन को अपने मन में ना रखे फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं सबके आंसर देने की कोशिश करता हूँ और हमेशा करता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट बार विजिट किए हो, फर्स्ट बार मेरे चैनल में आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना, और मैं हमेशा अपडेट लाता रहता हूं तो मेरे हर अपडेट को हमेशा पाने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस बिल्कुल कर दे फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके साथ हमेशा अपडेट रहूं। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, मैं ऐसे वीडियो अच्छे अच्छे लाता रहता हूं, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, बाय बाय।